हेलो एवरीवन, मेरे किरी लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट मैं दिखाने वाली हूँ, कितने हरे भरे और कितने फूलों वाले हैं। तो आइए और सभी को हरेला पर्व की मंगल शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन फूलों की तरह सभी खिलते रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। और मेरी वीडियो में अड़ोस पड़ोस से कहीं से भी कुछ सुनाई आती रहती है, जैसे गाने की या किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये देखिए मेरे हिबिस्कस के फूल कितने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं आज। ये देखिए त्यौहार के दिन, हरेला त्यौहार पे देखो कितने खूबसूरत खिले हुए। और ये देखिए ये है, और ये भी है, छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे। और ये भी है, ये अलग है रेड कलर का, और ये वाला अलग है। और इन पर कलियाँ भी काफ़ी सारी आ रही हैं, तो देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये रोज़ खिलते हैं, और इसमें भी देखो फूल कई सारे बने हुए हैं रेड में भी। ये भी बहुत सुंदर फूल लगता है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल ये हिबिस्कस पे आए हुए हैं। और ये तो देखो, ये तो लैंटाना है, लैंटर्न जिसे बोलते हैं। ये देखो इस पर भी कितने बढ़िया खूबसूरत आ रखे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। तो आजकल फूलों की कमी नहीं है, हरियाली भी बहुत है। ये देखिए ग्रीन ग्रीनरी भी काफ़ी है गार्डन में, और फूल भी काफ़ी है। तो ये देखिए कलियाँ भी काफ़ी आ रही हैं। और मैं अब आपको अपने गुलाब के दिखाती हूँ, कितने सारे खिले हुए हैं। ये देखो ये डार्क मैरून डबल शेड में है, और ये देखो ये भी डबल शेड में है, रेड का येलो का कितना खूबसूरत है। और येलो के भी खिले हुए हैं, कलियाँ खिलने वाली हैं, कुछ खिल चुकी है। ये देखिए उधर भी है, पीले के भी मेरे पास कई सारे हैं, और एक ऑरेंज और येलो रेड ये इधर भी है। और ये देखो ये पिंक कलर का तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जब ये पूरा खिल के आता है, और कलियाँ भी हैं इस पर। ये देखो फूल ही फूल हैं गुलाब में भी। और ये इधर रेड कलर का है, ये भी खिलने वाला है। और यहाँ पर ये डार्क मैरून है, ये देखिए अलग अलग हैं सारे, बहुत सारे। और ये अलग है, ये भी मेहरूम रेड कलर का है, बहुत प्यारा लगता है, खूबसूरत। और देखो एलमंडा का दिखाती हूँ, ये देखो ये भी खिल रहे हैं। और इधर एलमंडा के देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं रेड कलर वाले। ये देखिए कलियाँ भी इतनी खूबसूरत लगती हैं इसके तो। और इधर ये वाले खिले हैं, इस पर तो ये खिले रहते हैं, और कई दिन तक खिले रहते हैं ये प्लांट पर, कई दिन तक बने रहते हैं। ये देखिए कलियाँ भी हैं, तो फूल भी, कहने का मतलब है फूल भी खिले हैं, और हरियाली भी बहुत खूबसूरत लग रही है, ग्रीन ग्रीन। ये देखो और सभी पे हैं कई सारे गुलाब मेरे ऐसे हैं, और भी हैं, और कलियां भी बनी हुई हैं काफ़ी सारी। तो इस समय गुलाब भी काफ़ी अच्छी सी खिल रहे हैं, देख सकते हैं आप खूब सारे। ये देखिए एक इधर भी छुपा हुआ है, ये देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे। तो अब मैं आपने देख, और देखिए गार्डन हरा भरा, कितना हरा भरा है, कितने सारे फूल खिले हैं। और ये देखिए ये अपराजिता है, इसकी पत्तियाँ देखो कितना बड़ा साइज हो गया है इसका, और इसे देख के बड़ी खुशी होती है मुझे। फूल तो नहीं आ रहे अभी, क्योंकि समय लगेगा इसमें। और इसमें देखो मैंने ये ऊपर से ये कट कर दिया था, तो इसमें दो दो निकल गए, एक दो और तीन चार, चार ब्रांच बन गई इसकी। और ये देखिए कितना कटिंग करने के बाद भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पूरा प्लांट तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत। और तो बाकी चल ही रहे हैं मेरे सारे, देखो नीचे साइड में भी सभी चल ही रहे हैं। इधर कनेर भी रखा हुआ है, तो सारे प्लांट है। इधर ये पालक भी है, पालक के भी बहुत सारे हैं। और एक हिबिस्कस का इधर है, इस पर भी अभी कलियाँ बन रही हैं। और देखिए गुलाब पे भी अभी बहुत सारे गुलाब हैं मेरे पास, और रेड मैरून तो मेरे, येलो पिंक कई सारे हैं मेरे पास। और ये देखिए लाल बादशाह भी है, लाल सा भी कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और गुलाब मेरे इधर भी रखे हैं कुछ तो। और इसमें देखिए ये जो सावनी होता है, इसमें फ्लोवर मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये पिंक भी है, इसमें डबल शेड का है, ये पिंक और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है। और इधर हमारे पेंटास के भी बहुत ही खूबसूरत खिले हुए हैं, ये देखिए।
तो और ये हमारे, ये देखिए ये भी खिल ही रहे हैं अभी, ये वर्बिना के देखो, पूरा साल हो गया इसको, ये तो परमानेंट प्लांट है। तो अभी मेरे दो प्लांट पे लगे हुए हैं, एक इधर है, एक सीढ़ियों में रखा है, तो इसमें भी अभी खिल ही रहे हैं देखो। और इधर पेंटास के ये देखो कितने खूबसूरत खिले हुए हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ, हरियाली भी और फूल भी काफ़ी सारे। और इधर देखिए मेरे बिनका के, ये भी हाइब्रिड बिनका है, तो इस पर भी काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं खूबसूरत से, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर ऑरेंज कलर का है, ये देखिएगा उस पर भी फूल बने हुए हैं। अब ये देखिए ये मिर्च के भी लगे हुए हैं, इन पर भी फूल खिले हैं, कई सारे लगे हुए हैं। और ये जीनिया का भाई एक महीना हो गया इसको फूल को आए हुए, देखो कितना खूबसूरत है अभी। और इस पर देखो कलियाँ भी बन रहे, जो मैंने पुराने लिए थे प्लांट उसके ही ये बिखेर दिए थे, तो ये देखो फूल कितने खूबसूरत आ गए। और अपने पिटोनिया के दिखाती हूँ, पहले जैस्मिन दिखाती हूँ, ये देखो जैस्मिन पे भी कितना ग्रीन, डार्क ग्रीन है प्लांट, और फूल भी वाइट वाइट कितने प्यारे खूबसूरत लगे हुए। तो देखिए कैसे हरियाली बनी हुई है। और मैं पिटोनिया का देखो कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, ये वाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे तो देखो ये बिखर गए होंगे ना इसमें, तो इसमें वाइट और पर्पल दोनों ही लगे हुए हैं, और इसमें पर्पल लगा हुआ है। ये देखो कैमरे में कुछ थोड़ा सा हटके लगता है ये कलर, तो इसमें कुछ अलग कलर आता है, बैंगनी आता है और उसमें पर्पल आता है। और ये भी देखो इधर वाइट कलर के कितने खूबसूरत हैं, और इधर पिंक कलर के हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो ये वाइट कलर के हैं, और डायंथस भी अभी खिल ही रहे हैं, देखो आधे से ज़्यादा जुलाई आ गया और इन पे भी अभी फूल खिल ही रहे हैं, कई सारे हैं ये भी मेरे। और ये देखिए इधर दूर से थोड़ा दिखा दूँ कैसे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये मेरे पिटोनिया के, मैक्सिकन पिटोनिया वाले, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दूर से। और उधर भी रंग बिरंगी पत्तियों वाले खूबसूरत कोलियस भी रखे हैं। और इधर ये बेबी ड्यूल भी बहुत सारे प्लांट हैं मेरे, ये देखो। तो ये देखो एक एलामंडा का इधर भी है छोटा वाला, और इधर देखो ये एरोक्रिया वाले, एरोक्रिया नहीं एरियो प्लांट भी कई सारे हैं। और इधर भी कितना डार्क ग्रीन खूबसूरत लग रहा है, इधर भी देखो, और इधर भी देखो, ये परमानेंट प्लांट हैं ज़्यादातर मेरे पास। और ये देखो, और यहाँ पे बगल में हमारे किसी ने गाने चला रखे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और पेंटास का इधर भी रखा है, देखो कितना खूबसूरत कलर है, फूल बने ही रहते हैं भाई बारह महीने इस पे भी, ये प्लांट भी बहुत अच्छा है। ये भी कैलोथिया का भी, और सभी मेरे प्लांट ग्रीनरी बनी हुई है सभी पे। और ये कटिंग से लगाए मैंने, देखो ये अजवाइन के प्लांट बहुत सारे, इसकी मैंने बास्केट तैयार की है। और ये देखिए कितनी ही बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो गई है मदर थाउजेंड की इसकी। और ये देखिए ये सभी सेंसिवेरिया, और इधर सभी प्लांट मेरे छोटे बड़े सभी रखे हैं ये देखिए। और क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे इंडोर प्लांट भी रखे हुए काफ़ी सारे इधर। ये देखिए डैंथस भी फूल दे रहे हैं काफ़ी, और इधर देखिए एक मेरा इधर भी रखा है पीला कलर, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है इसका, भरा हुआ डबल पट्टल में, कितने सारे इसमें आए हुए हैं कलियाँ फूल इस समय। तो ये हिबिस्कस का है, बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए ये स्टिक वाला प्लांट जो होता है, इस पर देखो ये पत्ते भी आते हैं छोटे छोटे। तो ये देखिए बिगोनिया के भी खड़े हुए हैं उधर, सभी तरह के हैं ये देखिए। और ये मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं, ये दो लगाए हुए हैं, एक ये है और ये किसी की बगल में, तो कटिंग से भी मैंने बहुत सारे लगाए हैं इस बार, ये देखिए। और ये भी मैंने लगाया हुआ प्लांट छोटा सा, और ये भी मैंने लगाया हुआ प्लांट, ये मिर्च के हैं, ये अलग से लगाए हुए मैंने। और इसमें भी देखो ये कटिंग लगाई हुई है काफ़ी सारी, इसका भी चल गया, ये प्लांट भी चल गए, और ये भी लगाए हुए हैं नए प्लांट, और इसमें भी मैंने नया लगाया हुआ है।
बहुत सारे मैंने नए भी लगाए हैं, ये भी कटिंग लगाई है इसकी भी, पोल्का डॉट की भी। और ये देखिए, बस हमें अब इनका ध्यान रखना है, हमने लगा दिए हैं काफ़ी सारे और हमें अब इनका ध्यान रखना है। अब जैसे बारिश रुक जाएगी तो अब हम इसको फर्टिलाइज़र कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जो हमारे ये कंपोज होता है, जैसे किचन वेस्ट है, केमिकल तो नहीं देती मैं फर्टिलाइज़र, लेकिन मैं अपना ये जो होता जैसे घर का कंपोज है, लेकिन वो पुराना हो तभी लगाओ, ये वर्मी कंपोज, ये वाला मैं देती हूँ दो दो गुट्ठी सभी गमले में। अब दोबारा देने वाली हूँ, पहले मैंने जब ये बरसात शुरू हुई थी उससे पहले ही मैंने दे दिए थे सबको। तो ये देखो कितनी खूबसूरत ग्रीनरी बनी हुई है, फूल भी बने हुए, और इधर की भी दिखाती, पूरा जंगल लुक है। मेरे पास जगह छोटी है बट प्लांट ही प्लांट है। ये देखिए कितना शौक है मुझे, और हर चीज़ का है, ये नहीं है, सभी चीज़ों का है। देखिए कितनी खूबसूरती बनी हुई है गार्डन में मेरे। और ये देखिए सभी तरह के प्लांट मिलेंगे, फ्लावर प्लांट, और कितने सारे मनी प्लांट है मेरे पास। ये देखिए एरोकेरिया भी खूब अच्छा सा चल रहा है, अरे प्लूमेरिया तो ग्रीन तो इतना हो रहा है, बड़े बड़े पत्तियाँ हैं इसमें, और फूल अभी नहीं आए, फूल भी आएंगे इस पर। तो ये सभी प्लांट ये देखिए, और इधर भी मेरे कुछ गुलाब रखे हुए हैं, कलियाँ आ रही हैं इन पर भी सभी पे। और इधर भी ये देखिए कनेर है, इस पर भी आएंगे अब। ये फर्न है, कितना खूबसूरत ग्रीन बन गया है। ये देखिए रियो प्लांट और कोलियस, इधर भी बहुत सारे हैं, और इधर भी देखिए ये हिबिस्कस है, इधर भी हिबिस्कस है, कलियाँ आ रही हैं सब पे, बहुत सारे हिबिस्कस हैं मेरे पास। और ये देखिए एक ही फूल खिला है, मगर देखो आज फेस्टिवल है, हरेला फेस्टिवल, तो देखो आज एक फूल खिला है इसमें, ये पर्पल कलर का, ये वरुण फैल्सिया है, इस पर भी खिले ही रहते हैं। बहुत सुंदर ग्रीनरी बनी हुई है, देखो कितने सारे प्लांट दिखाऊं मैं आपको। ये देखो छोटे बड़े सभी तरह के, इंडोर आउटडोर फूल वाले सभी तरह के हैं। ये देखिए नागचंपा, इधर मेरा ये देखिए ये मॉसरोजर वेरीगेटेड, और इधर देखिए कितनी खूबसूरती आई है भाई इनमें, ये मदर थाउजेंड में देखो। और इसका ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखो एक बार ये छोटे छोटे प्लांट है, पत्ती है, फिर इसके बाद प्लांट है, फिर इसके बाद ये देखो, मुझे धूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये पत्ती है मदर थाउजेंड की, और ये फिर प्लांट है छोटे छोटे, और फिर इसके ऊपर प्लांट के ऊपर छोटे छोटे, फिर ये छोटे छोटे ये बेबीज है, बेबीज के ऊपर बेबीज, कितने प्यारे लग रहे हैं, और बहुत ही सारे बेबीज बने हुए हैं इसमें, देखो कितने सारे। उधर भी मनी प्लांट रखा है कॉर्नर में, मतलब इतना ग्रीनरी है ना इस समय, और सभी ये देखो उधर भी रखे हुए हैं, ये देखो कितने सारे प्लांट हैं, और कितने का तो मैंने नाम भी नहीं लिया, जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ये मिर्च है, मिर्च देखो मैंने लगाए थे ये उसके बीज से, और तो ये इस पर फूल भी आ गए हैं इस पर, ये प्लांट मैंने अभी लगाए थे कुछ दिन पहले। और इधर भी है हिबिस्कस का, बहुत सारे हैं हिबिस्कस सदाबहार। और ये देखिए ये कुफिया प्लांट होता है, तो इसके फूल भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, छोटा सा प्लांट, छोटी छोटी पत्तियाँ, छोटा सा प्लांट, और इतने ढेर सारे फूल, कितना खूबसूरत लग रहे हैं इस पर। और हमारे लिली भी खिले हुए, रे लिली, ये देखिए गोल्डन थ्रेल, इस पर भी फूल आ ही रहा है, तब से मैंने देखा, तो जब से मैंने ये प्लांट लिया उस पर आ ही रहा है। इधर भी रखी है रे लिली, और ये सारे प्लांट कुल मिला के काफ़ी सारे हैं, कम से कम 400-500 के आसपास मेरे प्लांट हो गए। तो मैंने एक दिन गिनती करी, 400-450 पे छोड़ दी, और ये देखिए सभी बहुत सारे, मतलब इस छोटी सी जगह में भी 350 से ऊपर गमला मेरा रखा हुआ है, ये सोचो। और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ बास्केट भी रखी हुई है, थोड़ा थोड़ा सभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ जल्दी जल्दी। ये देखिए वहाँ पे भी है बास्केट, और यहाँ भी कितनी खूबसूरत लग रही है, ये एले मंडा की, और ये शंख पुष्पी के भी फैले हुए हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारी हैं शंख पुष्पी भी मेरे पास। तो ये देखिए कितने सारे प्लांट ही प्लांट है,
और फ्लावर भी। और अब मैं आज जो है हरेला त्यौहार है, हरेला पर्व, तो देखिए मैं इतने सारे प्लांट और ये लगाने वाली, ये देखिए ये सारे आज लगाने वाली हूँ मैं, क्योंकि नए प्लांट लगाएंगे काफ़ी सारे। हर साल मैं नए प्लांट लगाती हूँ हरेला त्यौहार पे, काफ़ी सारे लगाती, और इसी के ये देखिए कितने सारे पहले भी लगाए थे मैंने, तो आज मेरे पास इतने सारे प्लांट हो गए। और मैं कटिंग से भी बहुत सारे लगाती हूँ, कटिंग से भी लगाने वाली हूँ, कुछ लगा चुकी, और कुछ ये मैंने बीज डाले थे टमाटर के, तो इसके भी अलग अलग करके प्लांट ये लगा दूँगी गमलों में, तो खूब सारे हो जाएंगे। और इतने सारे ये मैंने कुछ खरीदे हैं, ये तो खरीदे हुए हैं, ये देखो कितने सारे हैं ये सब, तो इनको सभी को लगाने वाली हूँ मैं। और ये भी फूल का है, ये देखो बालसम का है, कितना खूबसूरत है, ये देखो डबल सीड में रेड और पिंक का, इस पर बीज भी बन रहे हैं। और ये देखो पीछे ये भी रखा, ये मैंने हालांकि दिखाए थे पहले, और लगाने वाली हूँ आज, मैंने पहले लेके इकट्ठे कर लिए और सबको आज लगाने वाली हूँ। ये देखिए मेरी हरेला पर्व की हरियाली कितनी खूबसूरत लग रही है। जब पिछले साल हमने लगाए तभी तो इतने सारे प्लांट हमारे बने, फिर हम लगाएंगे फिर हमारे इतने सारे प्लांट बन जाएंगे, तो प्लांट को लगाना भी ज़रूरी है। और अब मैं अपनी सदाबहार की दिखाती हूँ, जो मोस्ट रोज होते हैं, और ये अलग अलग तरह के होते हैं, देखो बड़े में भी हैं, ये कितने खूबसूरत खिले हुए हैं। और इधर ये और भी है, अलग अलग कलर के, बहुत सारे कलर के, वाइट कलर के हैं, और कुछ ये देखिए ये तो अभी न्यू है, अभी ये लगाए भी नहीं है, ये देखो ऑरेंज कलर में है, लाइट ऑरेंज। और ये तो इतने सारे खिलते हैं ना, क्वांटिटी में काफ़ी सारे खिलते हैं, ये देसी वाले हमारे, ये बहुत अच्छे होते हैं ये। ये देखो येलो और कुछ ये मजेंटा कलर, और ये देखो ये मिक्स कलर होते हैं, और ये येलो इधर भी खिले हैं, इधर भी देखो ये मजेंटा कलर है, और इधर भी मिक्स है मजेंटा येलो, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और इधर मेरी ये शंख पुष्पी जिसे हम अपराजिता कहते हैं, ये वाइट कलर की खिली हुई है, ये देखो इसमें भी काफ़ी सारे कल तो फूल आए हुए थे, ये देखो आज भी आए हुए हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखो इसके फूल ऐसे लगते हैं, शंख की तरह खिलते हैं, जैसे शंख होता है, ये देखो अंदर ये डबल पटल में है, कितना खूबसूरत है। और मेरे पास ब्लू कलर का भी है, तो ये देखो मैंने एक टोपायरी भी बनाई थी इसकी, तो आपको दिखाई भी थी, ये देखो कितनी खूबसूरत सी, ये इसमें काफ़ी यूज किया हुआ, शंख भी रखे हैं, और ये भगवान जी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे शिवलिंग भी रखा है ये देखो, और ये शंख पुष्पी की टोपायरी बनाई थी मैंने, तो ये भी कितनी खूबसूरत लग रही है। गार्डन फूलों से भी भरा हुआ और ग्रीनरी से भी भरा हुआ है इस समय। और मेरी ये वीडियो जैसी भी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।